के ये छोटे से सेलिब्रिटी हैं, नईम कियानी साहब के साथ खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? आप लोगों के अल्लाह का शुक्र सही होंगे। हम जा रहे हैं टोरंटो इस वक्त, तो शॉर्ट ट्रिप है बहुत ही, और क्विक बना, यानी आज सुबह टिकट परचेज किया तो टोरंटो के लिए निकले, तो आप लोगों को टोरंटो दिखाते हैं। फ्लेयर से जा रहा हूँ, स्मॉल कैरियर एयरलाइन जो है उससे, फ्लेयर से जा रहे हैं टोरंटो। और आज वेंसडे ट्यूसडे, तो रात की फ्लाइट ली है कि एक दिन एक्स्ट्रा पूरा मिल जाए, तो रात में मेरे ख्याल में 11 बजे उड़ेगी और सुबह इंशाल्लाह 6:30 पहुँचेंगे टोरंटो। एयर टाइम जो है टोटल 5.5 घंटा है, शायद 5-5.5 घंटा है ऐसे। इस ब्रिज का नाम मुझे नहीं पता। ये देख लीजिए, पैसिफिक ओशन नज़र आ रहा है, हम इस ब्रिज पे जा रहे हैं। ये सामने हमें बर्नबी नज़र आ रहा है, पार्ट ऑफ ग्रेटर वैंकूवर एरिया। यार वैंकूवर है बहुत खूबसूरत। शटल में बैठ चुके हैं, अब ये एयरपोर्ट ले जाएगा। बच्चों की खेलने की जगह है। हाँ जी, खाना खा लिया, इस वक्त बज रहा है 9:30-10:15 बोर्डिंग है। लग रहा है फ्लाइट कंप्लीटेड फुल है, जगह नहीं है, फ्लाइट पूरी फुल है। एक घंटा लेट है फ्लाइट, अब जा रहे हैं जी बोर्डिंग करने फाइनली। सुबह हो गई, टोरंटो आ गया। टच डाउन होने वाला है, ये टच डाउन। वेलकम टू टोरंटो। ये जहाज था हमारा, ये ऐसे ही इन्होंने कुछ डेकोरेशंस बनाई हुई है। बैगेज क्लेम आ गए हम लोग, यहाँ से जा रहे हैं हम ट्रेन लेने। जो छोटी सी ट्रेन चलती है वो हमको एक स्टेशन बता रही है कि वहाँ से शटल, हाँ विस्कॉन्ट स्टेशन से, तो विस्कॉन्ट स्टेशन जा रहे हैं। ये छोटी सी ट्रेन है, लिंक टू स्टेशन ट्रेन कहते हैं इसको। ट्रेन में आ गए हम, देखिए थोड़ा टोरंटो गए। पार्किंग देख लें, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ जी। ये वाली ट्रेन थी हमारी, ब्लू वाली। ये आ गए हम टोरंटो। अब हैं हम, दोपहर का टाइम है, टोरंटो के कुछ रेस्टोरेंट्स हैं लगाए हुए स्कारबरो मेन स्कारबरो में। जगह का नाम है यहाँ का कैफे डी खान, और ये मेन्यू आपको दिखा रहे हैं, प्राइसेस दिखा रहे हैं यहाँ पे टोरंटो में। इस वक्त रमज़ान का टाइम है, हमारा तो रोज़ा कसर है, तो ये
उसी दिन रात का है, हम रेस्टोरेंट आए डी स्पॉट। इस वक्त मेरे ख्याल में रात के 11:30 बज रहा है और ये मीठों की दुकान है, मीठा डेजर्ट वगैरह देते हैं। आए अभी मेन्यू दिखाते हैं आपको इनका, पहले ज़रा एम्बियंस दिखा दें। अच्छा खूबसूरत बनाया है, ये है मार्कम में, हाँ मार्कम और 14th के पास है। अगर आपको टोरंटो आना हो कभी तो ये कैफे, ये डी स्पॉट दो तीन जगह है जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि जैक्स में है, एक में सागर साइड पर भी है। ये आ गया इनका मेन्यू जी, मेन्यू दिखाते हैं आपको, कंफ्यूज हो जाए बंदा, इतनी चीज़ें हैं इनके पास, चॉकलेट और शेक्स और पता नहीं क्या क्या। ये जो है चॉकलेट लावा केक है इनका क्रेम में, ओए होए 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 ओए होए 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 होए, क्या बात है जी, ऐसी तो वज़न नहीं बढ़ रहा। अच्छा अभी हम अगले दिन आ गए और इस वक्त हम जा रहे हैं मिल्टन, हमारे बहुत पुराने एक दोस्त हैं, वो मेला ऑर्गेनाइज करते हैं टोरंटो में। तो ये मिल्टन आ गया जी, ये मिल्टन सिटी है। आज चांद रात है तो दोस्त के साथ आए, उनको ये चीज़ें कुछ ग्रोसरी लेनी थी घर की, तो हमने कहा हमने छुप के थोड़ी वीडियो बना लें, रश है दुकान में तो छोटा छोटा करके बना रहे हैं। हम ये आ गए जी मिल्टन स्पोर्ट्स सेंटर, ये यहाँ पर ईद मेला हो रहा है। मुख्तलिफ तरह के जेवरात रखे हुए हैं और तरह के क्राफ्ट्स हैं, कपड़े हैं, खाने पीने की जगह हैं, बहुत बहुत ज़बरदस्त मेला है। बस अभी तो दिन का टाइम है, दोपहर का मखान में इस वक्त 4:30-5 बज रहा है। तो आप ये खुद बनाते हैं यहाँ से? पाकिस्तान से dates, deepu chocolate, biljan chocolate, fresh, Arabic coffee, kahwa, Saudi Arabia way, mashallah. हमारे साथ मेरे पुराने दोस्त, मैं 20-22 साल पुरानी दोस्ती है, लेकिन यहाँ के ये छोटे से सेलिब्रिटी हैं नईम ज्ञानी साहब के साथ खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है आप लोगों की? तो नईम भाई अल्लाह का शुक्र, तो नईम भाई ने ऑर्गेनाइज करते हैं यहाँ पे मेला, 12 साल से कर रहे हैं माशा, 12 साल तो हो गए ईद का मेला, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह कंटिन्यू रखे आपको। मैं अभी 5 मिनट हम सब एक साथ नमाज पढ़ते हैं। तो आप जो है तो कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कितना टाइम लगता है एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने में? छोटी सी समरी कर दें क्योंकि मेरा सेल डेड हो रहा है, बैटरी खत्म हो रही है। अगर देखा जाए तो जब हमने पहली दफ़ा स्टार्ट किया था दैट्स वेयर इट केम, उस वक्त हमें कुछ ज़्यादा आइडिया मिलता है कैसे करना है। ऑलमोस्ट पहले से 12 साल हो गए, रिलेशनशिप बन चुकी है, अब पता है कि किसको कैसे एंगेज करना है। तो इट यूजली टेक अ मंथ एंड अ हाफ टू हैंडल ऑल दैट। अब तो खैर मैं जो है वो नहीं करता ज़्यादा, बेगम कर रही होती है हमारी भाई, तो वो मैनेज करती है सारा, ये जितने आप सॉल्व यहाँ पे देखते हो फ्रेंड्स। तो माय वाइफ हैज़ डन इट, मेरा काम सिर्फ ये होता है टेबल लगा के जो है उनको दे दी देना, और यू आर
ऑन योर ओन, और आप लोग जैसे लोगों से गए हो, हमारे भी दोस्त आते हैं उनसे गए हो, बात करनी होती है, तो दैट्स व्हाट वी डू आफ्टरवर्ड्स. लेकिन या इट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट व्हिच हैज बीन पुट इनटू दिस इवेंट, माशाल्लाह, मेक इट सक्सेसफुल एंड मेक इट हैपन इन दिस, माशाल्लाह. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. नहीं नहीं, कोई मसला नहीं. तो टोटल कितने लोग हो जाते हैं मैक्सिमम, आप बताएं कि कैपेसिटी जब बिजीएस्ट होता है तो कितना लोग हो जाता है इस पूरे रिंक में? कैपेसिटी है कोई 3,000-3,500 लोगों की, मतलब. अच्छा, ये आइस रिंक आपने रेंट किया है? ये रिंक है, 10-12,000 स्क्वायर फीट की जगह है ये. इस वक्त अगर आप देखें, और मुर्जा भाई मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा रिमार्क करेंगे, इस वक्त देर आर 54 वेंडर्स राइट अलॉन्ग विद 20 हिना के स्टॉल्स हैं. अच्छा, और वहाँ पे एक कोने में जंपिंग जैसे लगा हुआ है हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि वो हम अब इतना सा अरसा हो गया, तो अब जब पेरेंट्स आते हैं तो उनको बच्चों के लिए अगर एंटरटेनमेंट नहीं होती तो वो दे कैन नॉट लुक अराउंड इट. तो दैट्स व्हाट वी डू, जंपिंग कैसल वहाँ पे लगा हुआ है, बच्चे वहाँ पे खेल रहे होते हैं, पेरेंट्स अपना शॉपिंग कर रहे होते हैं, और जब हमें पेरेंट्स और सबको जो है वो इस हॉल को खाली करना होता है, हम जंपिंग कैसल बंद कर देते हैं. दैट्स व्हाट वी डू. तो ये सारी टेक्निक हम यूज़ करते हैं. लेकिन या इट्स बीन वंडरफुल. मिल्टन में ये हो रहा है पिछले 12 साल से, और एक ही होता है मिल्टन में, और एवरीबडी नोज कि हम ही माशाल्लाह उसको थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. तो दे ऑल कम इन, दे ऑल इन्जॉय. जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा, मुर्जा भाई अभी जा रहे हैं, लेकिन जैसे वक्त बढ़ेगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होगा, और काफ़ी पॉलिटिशियंस और डिफरेंट लोग भी आते हैं राइट इसको कवर करने के लिए. अभी थोड़ी देर मीडिया के पूरे ग्रुप्स आ जाएंगे. तो या ऐसा वही छोटा मोटा सा हमारा काम चलता है. तो मिल्टन में कितना पाकिस्तानी होगा, क्या टोटल पॉपुलेशन क्या है और वर्सेस पाकिस्तानी कितना है? मिल्टन की टोटल पॉपुलेशन तो इस वक्त मोर देन 100,000. अच्छा ठीक है, 1,00,000 से ज़्यादा है. 1,00,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी अगर आप देखें तो इट्स अराउंड 15-20%. काफ़ी अच्छा खासा जो है वो सेटअप हो जाता है. अगर 1,00,000 के हिसाब से कहें तो 20,000 पाकिस्तान. 20,000. अच्छा, और फिर टोटल मुस्लिम्स कितने हैं ऑल ओवर, या टोटल देसी, लेट मी पुट इट दिस वे, टोटल देसी कितना? मिल्टन का ये टोटल अवाम देसी है, दैट इज अराउंड व्हाट आई से 46-47% देसी राइट. और काफ़ी ज़्यादा है, जैसे अगर यहाँ पर आप जो गहमा गहमी देखें, मस्जिद है यहाँ पर माशाल्लाह, फिर हमारी साउथ एशियन कम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हमारी इंडियन कम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, श्रीलंकन कम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और हमारा थोड़ा बहुत ताल्लुक क्रिकेट से भी है, तो ये सारे हमारे साथ आके क्रिकेट भी खेल रहे होते हैं, तो वो एक अलग जो हम लोग लीग चला रहे हैं. ऑलमोस्ट 400-450 प्लेयर्स हमारे साथ खेलते हैं फ्रॉम अदर रीजन एज वेल. तो मिल्टन एक ऐसा इलाका बन चुका है जहाँ पे एक तो डेमोग्राफिक्स बिल्कुल चेंज हो गई. अगर आज से आप जो है 10 साल पहले का मिल्टन देखें, देखें हमारे सारे बच्चे जो है बन जाए हमारा, अगर आज से 10 साल पहले का मिल्टन और 10 साल के बाद का मिल्टन अगर आप देखें, डेमोग्राफिक्स चेंज कर लिया. तो ये है हमारा माशाल्लाह जो है वो कॉन्सेप्ट चला रहे हैं. अल्लाह ताला ने जब तक इज्जत दी है, जब तक हिम्मत दी है, तब तक चलाते रहेंगे इंशाल्लाह. थैंक यू सो वेरी मच. आपके माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका चैनल का नाम एक दफ़ा और बता दें, लोग तो जानते ही होंगे लेकिन जस्ट. हाँ जी, हाँ जी, एनके ऑफिशियल मेरे चैनल का नाम है, और हम जो है वो ज़्यादातर टूरिज्म और डिफरेंट चीज़ें कवर करते हैं. अभी अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो कतर का फूड सॉकर का वर्ल्ड कप हमने कवर किया, और काफ़ी डिटेल्ड में कवर किया. हम गए वहाँ पे, वहाँ पे हमने अर्जेंटीना का मैच देखा, और वो भी कवर्ड है उस चैनल पे. फिर यहाँ पे डिफरेंट इवेंट्स, डिफरेंट शोज हो रहे होते हैं, तो वी ट्राई टू कवर ऑल दैट. और जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वी विल एंगेज यू एंड विल ऐड मोर टू इट. माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू सो मच नईम भाई, बताया बहुत बिजी हैं. तो बस जज़ाकअल्लाह. मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा इनके चैनल का, ज़रूर विज़िट कीजिएगा. चलें जी, थैंक यू भाई.